बिहार में जारी लॉकडाउन की बंदिशों को आगे बढ़ा दिया गया है। बिहार में लॉकडाउन के आगे बढ़ाए जाने को लेकर लोगों के बीच बन रहे भ्रम के बीच बिहार सरकार ने आज जारी बंदिशों को 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। बिहार सरकार के ऑफिशियल पीआईबी के ट्विटर अकाउंट से इसकी जानकारी दी गई। बंदिशों के साथ नई गाइडलाइन की घोषणा की गई है। इस नए दिशा निर्देशों के अनुसार बिहार के सभी जिला मुख्यालयों से लेकर शहर कस्बों में 1 से 16 अगस्त तक बंदिशें जारी रहेगी। सभी सरकारी और निजी दफ्तर में सिर्फ 50% कर्मचारी ही आ सकेंगे। जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर को इस बंदिश से मुक्त रखा गया है, जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पुलिस जैसे महकमों में यह नियम लागू नहीं होंगे। बिहार में कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगा। राज्य में रेस्टोरेंट को खोलने की मंजूरी होगी, लेकिन वहां से सिर्फ टेक अवे या होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं है। दुकान और बाजार को खोलने के लिए कई तरह के नियमों का पालन करना होगा। सुरक्षा को देखते हुए संबंधित जिले के जिलाधिकारी आदेश निर्गत करेंगे और उसी आधार पर दुकानें खुलेंगी। राज्य के भीतर ट्रांसपोर्ट के सारे माध्यमों पर फिलहाल रोक लगी रहेगी। हालांकि हवाई जहाज और ट्रेनों पर रोक नहीं लगाई गई है, यानी बस जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू नहीं होगी। बिहार के अंदर टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं होगी, लेकिन बाहर से आवाजाही नहीं हो पाएगी। जरूरी सामानों को ले जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे। किसी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जमावड़े पर पूरी तरह से रोक रहेगी। नियम तोड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई होगी। पार्क और जिम जैसे स्थान भी नहीं खुलेंगे। पूरे बिहार में रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों को छूट मिलेगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित जिलाधिकारी और बंदिशें लगा सकते हैं। राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को इसका अधिकार दे दिया है।